हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो बच्चा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके इस चैप्टर की हेडिंग है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो बेटा, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक यानी कि शुरुआत, शुरुआत जिसे कि आप इसको आप चाहे तो आप स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप जब छोटे थे तो आपने जब केजी प्री केजी में आपने कई सारी चीज़ें ऐसी सीखी होगी, जैसे हम लोग अल्फाबेट्स या फिर हिंदी की वर्णमाला वगैरह, क ख ग घ या फिर ABCD या 1 2 3 हम लोग सीखते हैं, तो छोटे में ही सीखते हैं। अभी तो आप सीखते नहीं हो, तो वो जो थी यानी आप जब केजी में थे तो उस टाइम की वो पढ़ाई जो थी वो आपकी बेसिक पढ़ाई थी। वो इसलिए सिखाया गया था आपको ताकि आप आज के समय में यानी जिस तरह से आप आज बड़े हो के आप क्लास 9th में आ गए, तो आप उन सभी चीज़ों को समझ पाओ। यानी ये सारे वर्ड्स जो किस तरह से लिखे गए हैं, ये आप इसी वजह से समझ पाते हैं क्योंकि आपने बचपन में अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD की पढ़ाई आपने करी थी। आपको पता है, आपने बचपन में जो है उसी अल्फ़ाबेट से मिला के कई सारे वर्ड्स बनाना सीखा था, देन सेंटेंस, देन आफ्टर पैराग्राफ राइटिंग वगैरह सब आपको आती है, ठीक है। इवन दो उसी तरह से हिंदी में भी आपने क ख ग घ वगैरह जो है मात्रा वगैरह ये सब आपने पढ़ी थी, जिस वजह से आज आपको अगर कोई हिंदी की अगर बुक दे दी जाती है तो आप उस बुक को आराम से पढ़ लेते हो। इवन दो मैथ की भी वही बात है कि आप उसमें काउंटिंग वगैरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सारी चीज़ें सीखे। यही रीज़न है कि आज आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेते हो। तो देखो बेटा, बेसिक्स जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। बेसिक्स यानी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग की जो नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्टार्टिंग यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ की यानी कि कोई भी बॉडी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इस बात का हमें पता कैसे लगेगा? तो वो हमें पता लगेगा इस फंडामेंटल यूनिट से। वो फंडामेंटल यूनिट होता है बेटा सेल। क्या होता है? सेल। उस फंडामेंटल यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। बात यहाँ पे हो रही है रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 में क्या करा कि उन्होंने कुछ ग्लासेस यानी शीशे को इकट्ठा किया और उससे उन्होंने क्या किया कि अपना एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने एक कॉर्क सेल होती है बेटा, किसे बोलते हैं? तो देखो, वुड जो होती है, लकड़ियाँ, उसका जो सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसको, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि शैम्पेन की जो बॉटल होती है उस पर क्या होता है कि आपके ढक्कन जो है लगे होते हैं, वो कॉर्क सेल होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया रॉबर्ट हुक ने कि उसी को इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के जरिए, जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था उसके जरिए इन्होंने देखा था। और जब इन्होंने देखा यानी रॉबर्ट हुक ने, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और वो स्ट्रक्चर कैसा था बच्चा? वो स्ट्रक्चर हनीकॉम के जैसा था। हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल इस तरह से। देखो ये बिल्कुल इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक को ये जो स्ट्रक्चर दिखा तो ये बिल्कुल बॉक्स की तरह था। उन्होंने इसको नाम दिया बॉक्सेस। और ध्यान देना, इसका नाम जो है यानी सेल जो हमने नाम हम जो पढ़ते हैं, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और लैटिन वर्ड क्या है? तो लैटिन वर्ड जो होती है बेटा, ये लैटिन जो है एक लैंग्वेज होती है, डेड लैंग्वेज होती है जिसको कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में यानी आज जो हम 2023 में हैं बच्चा, आज के समय में इस लैंग्वेज को बोलने वाला कोई भी इंसान धरती पर ज़िंदा नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे अकेडमिकली जो कोई कंसेप्ट होती है या कोई भी थीरीज होती है उसमें अगर कोई नाम वगैरह रखा जाता है ना, तो इसी लैंग्वेज में रखा जाता है ताकि कोई भी कंट्री के साथ किसी तरह की कंफ्लिक्ट ना हो कि अरे भैया आपने हमारा लैंग्वेज क्यों यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये सेल की जो खोज जो थी वो हमारे, अगर बात की जाए कि हमारे साइंस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसका फ़ायदा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि
बोलते हैं या यूँ कहो कि सिर्फ रॉबर्ट हुक को नहीं बल्कि रॉबर्ट हुक के साथ साथ उनके बाद के आने वाली जितनी भी जनरेशन थी उन सबको होने वाली थी। खैर आज के समय में देख लो, आज के समय में हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, इवन दो हम जो भी बीमार होने पे दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं या कई तरह के इलाज जो हमारे यहाँ पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे ही पॉसिबल थी। क्योंकि अगर आपको सेल के बारे में ही पता नहीं होती तो आज आप हम या हम कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते। यानी ये वर्ड सेल जो है वो आज के समय में बात की जाए तो या उस समय में भी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म था। ठीक है, बात आती है यहाँ पे पहले पॉइंट की कि अब आपसे ही पूछा जाए कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो एक बात याद रखना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा जी, वो बने होते हैं सेल के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दे रही हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और वो सेल कैसे होंगे, वो सेल बहुत ही छोटे होंगे। दिस सेल्स आर वेरी टाइनी, यू कांट सी देम विद योर नेकेड आईज। इनको आप अपनी नेकेड आई से यानी खुली आंखों से आप नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं सभी सेल्स को मिलने से बेटा एक शरीर का निर्माण होता है, यानी एक लिविंग सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, यूँ कहो कि ऑर्गेनिजम्स जो है उससे बनते हैं। अब ध्यान से सुनना कि मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, आप सभी ने कभी ना कभी जो है ब्रिक्स तो देखा होगा, जिसे हम ईंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईंट कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनना कि ये कई सारे ब्रिक्स जो है एक साथ, कई सारे ब्रिक्स जब मिल जाएं वो भी सिमिलर साइज के, तो क्या होता है, कई सारे जो है ब्रिक्स मिल के एक वॉल बनाते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये आपको बिल्कुल पता होगा कि कई सारे ब्रिक्स मिलके क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। ठीक है, वॉल बनाते हैं। कई सारे वॉल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं। कई सारे रूम जो है वो मिलके एक फ्लैट बनाते हैं। कई सारे फ्लैट जो है एक फ्लोर पे होते हैं ना बेटा, एक फ्लोर पे। और कई सारे फ्लोर मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, ठीक उसी तरह, यानी ये देखो, ये वॉल कहाँ से आई है, ये ब्रिक से आई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऊंची जो अगर कोई बिल्डिंग है, ये कोई ऊंची अगर बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का जो मेन बेसिक यूनिट्स है वह क्या है, ये ब्रिक्स है। अब आपको में से कई बच्चे बोलेंगे, अरे मैम एक बात बताओ, क्या उसको ईंट को जोड़ने में सीमेंट नहीं लगा क्या, क्या सैंड नहीं लगे क्या, क्या रॉड्स नहीं लगे क्या? हमने कहा हाँ बेटा लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन उनके कंपैरिजन में, यानी कि सीमेंट, रॉड या सैंड, इन सब के कंपैरिजन में ईंट की बात की जाए तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ध्यान देंगे बेटा, आप ईंट को या जोड़ने के लिए ही बाकी सबका यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सीमेंट हो या फिर सैंड हो या फिर आपके जो है रॉड्स हो, आयरन रॉड्स, तो इन सब का यूज़ आप किसे जोड़ने में कर रहे हो, ईंट को जोड़ने में कर रहे हो ना। मेन आपका पर्पस क्या है, ईंट को जोड़ना। अगर ईंट नहीं रहेगी तो घर तैयार नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से अगर सेल नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो तैयार नहीं होगी। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, ध्यान से समझना कि ठीक उसी तरह से हमारे हम जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं वो कैसे बनते हैं। तो ध्यान देना, ये हमारी यूनिट स्ट्रक्चर है। क्या है? यूनिट स्ट्रक्चर। जैसे आप याद करो, छोटे आप थे तो आप काउंटिंग करते थे। कैसे काउंटिंग करते थे? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस टाइप से आप काउंटिंग करते थे ना। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते थे? यूनिट से काउंटिंग स्टार्ट करते थे। यानी कि पहली चीज़, यानी पहली काउंटिंग, इसको कई जगह पे लोग इसको इकाई बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे भी जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं उनकी शुरुआत स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सेल है। कई सारे जो सेल मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल और सेम फंक्शन वाले, तो वो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और कई सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गेन्स बनाते हैं। ठीक है, और कई सारे ऑर्गेन्स मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी, अगर हम आपसे पूछें कि हम सभी किससे बने हुए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सेल से।
अब आपके मन में सवाल ये होगा कि मैम एक तो बात समझ में आ गई कि हम सभी ह्यूमंस जो है या फिर जितने भी लिविंग बॉडी है वो सेल के बने हुए हैं, लेकिन ये टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इसका क्या? हम तो ऑर्गेनिज्म जानते हैं कि हाँ हम सभी क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये समझ में आया कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं छोटी छोटी यूनिट्स जिसको कि सेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो मैं समझा रही हूँ बेटा, ध्यान से समझना कि आप में से कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे का जो है उंगली वगैरह कभी ना कभी तो कटा होगा, अरे अपना नहीं कटा होगा, किसी का तो आपने देखा होगा। तो सपोज जैसे यहाँ पे किसी का ना वाउंड हो गया, यानी घाव हो गया, क्या हो गया? वाउंड हो गया यानी घाव हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ का जो स्किन जो है इंसान का, यहाँ का स्किन क्या होता है, यहाँ का स्किन जो है वो गायब हो गया। अब गायब हो गया मतलब पूरा हाथ ही गायब हो गया, ऐसे नहीं होता है। देखो मान लो यहाँ का जो स्किन जो था वो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन जो हटी थी ना, ये स्किन जो हटी थी यहाँ पे, स्किन का कुछ पार्ट हटा था ना, तो वो क्या था, वो टिश्यू था। कई स्किन का जो पार्ट जो है हटा था वो क्या था, टिश्यू था। क्यों? क्योंकि आपको वो दिख रहा है, कई सारे सेल मिल करके उस जगह को हटा रहे, ठीक है, उस जगह को आप दिखा रहे, आप दिख रहे हो ये क्या है, ये सेल है। क्यों? ये देखो कई सारे सेल मिलके एक क्या बनाए, टिश्यू बनाए, वही ये यहाँ से हट गया था। अब टाइम के साथ क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब दवा वगैरह आप लगाओगे और ये जगह जो है, ये जगह जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, हील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये जगह जो है वो हील हो जाएगी और आपके जो हैंड जो थे वो फिर से पहले जैसे जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ जो कट जो लगा था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम टिश्यू को आराम से देख सकते हैं, इवन दो ऑर्गन्स जो है कई सारे जो है टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आपके हार्ट, लीवर, किडनी, आईज, नोज, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इवन दो कई सारे ऑर्गन्स मिलके आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या? तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए। तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग काम है। जैसे अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं, जैसे आपका फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस सारे जो है वो किस में शामिल होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ध्यान दो कि इतने सारे ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया ना। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, जैसे हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर कई सारे सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एक एग्जांपल यहाँ पे एक दिया गया है, आपको एक एक्सपेरिमेंट की आपको क्या करना है कि ये देखो, ये इस तरह से आपका क्या होता है, अनियन होता है, ठीक है। तो इस अनियन के बल्ब को, अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये बल्ब क्या मैम, जो हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बल्ब होता है उसकी बात आप कर रहे हो क्या? हम बोले नहीं बेटा, ये देखो ये क्या है, मान लो कि ये हमारा अनियन है, ठीक है। तो अनियन में आप क्या करते हो, देखते हो कि ये जो है ना इस तरह की लेयरिंग होती है, ठीक है। इस लेयरिंग को जब इसके छिलके वगैरह हटा के इसकी लेयरिंग को आप अलग करोगे ना, तो आपको बीच में ना बिल्कुल वाइट सा एक पतला सा थीन लेयर आपको दिखाई देगा। वो क्या है बेटा जी, वो एक टिश्यू है, वो आराम से आपको टिश्यू दिखाई दे रहे। आप ना उस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाल करके और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको वहाँ पे इस तरह के डार्क पैचेस जो है जगह जगह पे दिखाई देंगे। मतलब कि ये देखो ये क्या है, ये कई सारे सेल है और बीच में ये जो डार्क आपको पैचेस जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस सेल के न्यूक्लियस हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है वो भी हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कई सारे जो आपके पास अगर और ये है बॉडी है, जैसे कि आपके एनप्लांट बॉडीज, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई कि ये जो स्ट्रक्चर्स जो थे आपको दिखे थे वो क्या थे, तो वो स्ट्रक्चर्स जो थे वो सेल के स्ट्रक्चर थे। किसके थे बेटा? सेल के स्ट्रक्चर थे, ठीक है। उसी तरह से अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक बात आपसे यहाँ पे शेयर की जा रही है और वो कहा जा रहा है कि सबसे पहले सेल जो है उसको स्टडी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा जी इधर के, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने
कॉर्क स्लाइस पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करा था, यानी कॉर्क के टुकड़े को उन्होंने अपने शुरुआती जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाई थी उस पे देखा था। बाद में एक अंकल आते हैं, लिवन हॉक अंकल जो है वो क्या करते हैं, वो अच्छा सा माइक्रोस्कोप बनाते हैं, मतलब रॉबर्ट हुक की तरह नहीं कि चश्मे के ऊपर चश्मा चढ़ा दिया बस हो गया बन गया ग्लास, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो लिवन हॉक जो है वो क्या करते हैं, वो एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप बनाते हैं और वो पॉन्ड वाटर में रहने वाले जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स उनको वो फर्स्ट टाइम देखते हैं। इनके बाद पुरकिंजी नाम के, ध्यान देंगे पुरकिंजी नाम के एक अंकल, या पहले देखिए उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक अंकल होते हैं 1831 में, वो बताते हैं कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये कुछ ऐसा है कि हम जो लिविंग बॉडी हैं तो हमारे अंदर हमको कंट्रोल करने के लिए क्या है बेटा जी, ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ब्रेन ही हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या कुछ करना है, ये सारा हमारे ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह से हमारे सेल का जो फंक्शन है वो उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और इसके बारे में पता किसने लगाया था बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद बात करते हैं 1839 की, तो उस समय पुरकिंजी नाम के एक अंकल थे, वो बताते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर खून भी है, पानी भी है ना, यानी लिक्विड मौजूद है। ठीक उसी तरह से पुरकिंजी जो अंकल जो थे वो बताते हैं कि जो सेल होता है ना, कोई तो भी सेल होता है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इसके अंदर भी लिक्विड जैसा कुछ सबस्टांस होता है। क्या होता है बच्चा? लिक्विड जैसा कुछ सबस्टांस होता है, लिक्विड सबस्टांस होता है, जिसको ये नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। बाद में इन्हीं को नाम दिया गया साइटोप्लाज्म, यानी इसी प्रोटोप्लाज्म को नाम दे दिया गया साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद होता ये है कि सेल थ्योरीज आती है, और सेल थ्योरीज के जरिए जो स्लेडन और स्वान नाम के जो दो अंकल थे, ठीक है, तो स्लेडन जो थे वो एक आपके बॉटनिस्ट थे, और ये दोनों ही ध्यान दीजिएगा, स्लेडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान ये थे क्या कहते हैं जूलॉजिस्ट थे, यानी कि कंबाइंड तौर पे अगर बोला जाए कि दोनों बायोलॉजिस्ट थे, वो बायोलॉजी की जो स्टडी करते हैं ना उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं इनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दीजिए कि इन्हीं दोनों ने क्या किया कि एक सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी क्या कहती थी इनकी, कि हम जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, यानी हमारी धरती पे हमारी आंखों के सामने जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, वो सब के सब बने हुए हैं जिस छोटी यूनिट से, उस यूनिट का नाम क्या है? सेल है। यानी वो कौन सी यूनिट है? वो सेल है। यानी हम में से हर कोई बना हुआ है किसका? सेल का। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि चाहे पक्के हाउस की मैं बात कर रही हूँ बच्चा, किसी हट की या फिर किसी ये तंबू की बात मत समझ लें, किसी झोपड़ी या तंबू की बात मत समझ लेना, मैं पक्के हाउस की बात कर रही हूँ, कि कोई भी पक्का हाउस हो, चाहे वह एक छोटा सा घर हो या फिर एक बिल्डिंग हो, बंगलो हो या फिर स्काई स्क्रेपर हो, तो कोई भी हो वो बनता है किससे? ईंट से ही बनता है। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि कोई भी लिविंग बॉडी हो, चाहे वह प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी बॉडी बनेगी किससे? सेल से, जिस स्मॉल यूनिट से बनी हुई है उसका नाम इन्होंने दिया सेल। और फिर इन्होंने कहा बाद में, इनके कहने के बाद एक विरको नाम के अंकल आते हैं और वो कहते हैं किसके बारे में, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल हैं, अगर ये सेल की मैं बात करूं तो ये सेल कहां से आया? तो अपने पहले वाले सेल से आया। ये कहां से आया? तो अपने पहले वाले सेल से आया। ये कहां से आया? तो अपने पहले वाले सेल से आया। तो फाइनली जो सवाल उठता है कि एक बात बताओ भैया, पहला सेल कहाँ से आया, पहला सेल कहाँ पे आया? तो पहला सेल जो आया वो आया वाटर में। आगे चल के आप जो है क्लास 10 में आप पढ़ने वाले हो कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी? वाटर में हुई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात यह हो रही है कि लाइफ की जब ओरिजिनेशन वाटर में हुई, वहाँ पे पहला सेल आया और उसी सेल से सारे सेल आते गए, यानी कि हर एक सेल जो आए हैं वो अपने पिछले सेल से आए हैं। जिस तरह से आपका जन्म कहाँ से हुआ है? तो आपके पेरेंट्स का किससे जन्म हुआ? तो उनके पेरेंट्स से। इसी तरह से, ठीक है बच्चा। और ध्यान देंगे कि उस 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था, तब जाके हम लोगों ने और हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, देखा सेल के अंदर और भी कई सारी चीज़ें देखी, तो उनको पता चला
क्या अभी तक क्या पता चला था? अभी तक तो है पता चला था कि सेल होता है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको अभी मैंने नाम बताया था साइटोप्लाज्म, और फिर कहा गया कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस जो है वो क्या काम करता है, ब्रेन की तरह काम करता है, बस इतना ही पता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, सेल को देखा गया तो पाया यह गया कि सेल के अंदर छोटे 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 ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जिस तरह से हम ह्यूमन के या हम एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, एक इंसान है, ठीक है, सपोज कि ये कोई अंकल है, ठीक है ना, एक अंकल है। इस अंकल को आप देख के क्या बता सकते हो कि ये अंकल है, इन अंकल के अंदर हार्ट होगा, लीवर होगा, किडनी होगी, ये सारी चीज़ होगी। अब भले आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपको पता है, कैसे दिखेगी, अरे भैया अंकल को चीरो और पता चल जाएगा। अरे ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके आप काटने लगना, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि देखो, इनके बॉडी के अंदर है वो जो आप बात कर रहे हो, हार्ट के, लीवर की, किडनी की, लंग्स की, ये सब क्या है, इस अंकल के बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब देखा गया तो उस पर पाया यह गया कि सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं। ध्यान देना, मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनेलीज की, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसकी, ऑर्गेनेलीज की। ऑर्गेनेलीज होते क्या हैं, तो देखो ऑर्गेनेलीज, ठीक है, LLES, ठीक है, ये देखिए ये ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, जैसे देखो हम बड़े बॉडी है ना, मतलब हमारी बॉडी तो दिखाई देती है ना सबको, तो हमारी बॉडी जब सबको दिखाई देती है, हम ऑर्गेनिज्म है, हम क्या है बच्चा, ऑर्गेनिज्म है। तो हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल तो भाई साहब दिखाई देता नहीं देता है ना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसको हमने नाम दिया ऑर्गेनेलीज, मीन स्मॉल पार्ट्स, क्या है, स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी धरती पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल के होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है भैया, एक ही सेल के बने होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेल के बने होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जिनको हम कहते हैं। अब ध्यान से समझना, सिंगल सेल वाले को हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है एक, और सेल्यूलर का मतलब सेल का, मल्टी का मतलब मोर देन वन, ठीक है, और सेलुलर मतलब सेल का। यानी यूनिसेल्यूलर एक सेल के बने होंगे और मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म में अमीबा के साथ साथ क्लैमीडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल यानी एक सेल से मिलके बने हुए हैं। वही हमारे इन सब के अलावा हम सब यानी पेड़ पौधे, वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो आपको खुली आंखों से दिखाई देते हैं, वो सभी क्या है, वेरियस यानी मेनी सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और हमारी जो सेल होती है ना, उसमें ये क्षमता होती है कि वो डिवाइड होके क्या कर सके, एक से दो सेल, दो से चार सेल, ये बना सके। यानी सेल में क्या है, डिवाइड करने की एबिलिटी है। यही रीज़न है कि हम जो बड़े ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमारे में क्या होता है, रिप्रोडक्शन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जन्म देता है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में बताया गया है, ऐसा सेल जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। कौन कौन है? स्मूथ मसल सेल्स जो हमारे मसल्स में होंगे, ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जैसे WBC RBC, नर्व सेल्स जो हमारा ब्रेन सेल है, ओवम जो कि फीमेल में क्या है, फीमेल में जो है ये पाई जाती है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स यही होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म, मेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स है, बोन सेल जिससे हमारी बोन फॉर्म्स होती है, फैट सेल जो किसी भी इंसान के शरीर को क्या करता है, मोटा करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी सेल है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हैं, और तो और इनके फंक्शंस भी क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी एक जैसे ना तो इनके, आप अगर देखो अभी अभी मैं जस्ट बात करूँ तो यहाँ देखो ये जितने भी आपको सेल दिखाई दे रहे हैं क्या इनके शेप्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना, ना ही इनके शेप एक जैसे हैं, ना ही साइज एक जैसे हैं। उसी तरह से इनके जो फंक्शंस हैं वह भी क्या है, एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। चलो अब जो है हम बात करने ये जा रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जिस तरह से सेल फंक्शन करता है उसी तरह से वह भी फंक्शन करे, चाहे वह सिंगल सेल का बना हो चाहे वह मल्टी सेल का बना हुआ हो, ठीक है, वो फंक्शन एक ही जैसा करेंगे, ठीक है ना बच्चा। हाँ, इसमें जो है ये लोअर कैटेगरीज के हैं क्योंकि एक सेल के बने हुए हैं, ये हायर कैटेगरीज का है। ये कुछ ऐसा है, समझ लो कि एक इंसान सिंगल रूम में रह रहा है और एक इंसान बड़े से बंगलों में रह रहा है जहाँ पे उसका खूब सारा रूम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इंसान एक ही रूम में खाना बनाएगा, खाएगा, पिएगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन ये इंसान जो है वो क्या करेगा, ये हर एक काम के लिए अलग अलग रूम का बंटवारा करके रखेगा। खाना बनाने के लिए किचन, फिर नहाने धोने के लिए वॉशरूम, सोने के लिए बेडरूम, यहाँ दोस्तों से मिलने के लिए गेस्ट रूम, ये सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन इस बंदे के पास क्या रहेगा, एक ही रूम में वो सारे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही टाइम पे कई सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनके साथ क्या है, इनके साथ एक ही टाइम पे कई सारे फंक्शन परफॉर्म हो पाएंगे। तो इनको हम लोअर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, किसे, सिंगल सेल वाले को, और जो मल्टी सेल वाले हैं उनको हायर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखेंगे कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, हमने सेल ऑर्गेनेलिज अभी फिर से मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया है कि सेल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं ना, उसी तरह से तो इनके भी क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं। तो वो स्मॉल पार्ट्स के अलग अलग और स्पेशल फंक्शन है, ठीक है ना। और ये स्पेशल फंक्शन ही जब काम करते हैं जिस वजह से सेल जिंदा रहता है, ठीक, हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारी हार्ट जो है वो पंप करती है, हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारा जो वेन है वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तभी तो हम जिंदा है ना। अगर ये सारे काम बंद हो जाए तो हम तो मर जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से हमारे जो सेल हैं, सेल के अंदर जितने भी स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिनको आप सेल ऑर्गेनेलीज कह रहे हो, वो भी अलग अलग फंक्शन करते हैं, और उनके फंक्शन करने की वजह से ही बच्चा जी क्या होता है, सेल जिंदा रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इसमें बात ये कहेंगे कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, या फिर यूं कहें कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल बने हुए किसके हैं और इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। जैसे हम एक बात करें कि ये एक इंसान है, आप इंसान में क्या उम्मीद करते हो, किसका एक फेस होगा, इसका हेड होगा जिस पे इसकी दो आंखें लगी होंगी, एक नाक होगी, एक मुंह होगा, दो कान होंगे, भाई साहब एक गर्दन तो जरूर होगी, और दो हाथ होंगे, एक पेट होगा, ये देखिए दो टांगे होंगी, ऐसी चीजें कुछ उम्मीद करते हो ना, है ना, कि ऐसा थोड़ी करते हो कि अरे भैया इस इंसान का ना इतना ही पार्ट बस होगा, ये वाला पार्ट तो लॉस होगा, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। ठीक उसी तरह से हमारा जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मतलब वो कौन कौन सी चीजों से मिलके बना है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि हमारे जो सेल होते हैं उनके पास स्पेशल कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिज हम कहते हैं, ठीक है। अब वो सेल ऑर्गेनेलिज कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे इनको माइक्रोस्कोप के अंदर। और ध्यान देंगे कि हम लोग कभी भी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होती है, ध्यान देना आप में से कई सारे बच्चों के स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा, इवन दो आपने देखा होगा, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है बच्चा, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, और या फिर बहुत जगह पे आपके क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल के साथ साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं। तो कंपाउंड अगर माइक्रोस्कोप है या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक चीज़ याद रखना, आप कभी भी इन माइक्रोस्कोप से लिविंग बॉडी को नहीं देख सकते। जब भी आप इनसे देखते हो डेड बॉडी को देखते हो, चाहे वह डेड सेल हो या कोई डेड बॉडी हो, ठीक है ना, आप डेड चीज़ों को ही देखते हो। अगर लाइव देखना है, अगर किसी जिंदा को देखना है, तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कि हमारे जो सेल होते हैं उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कई सारी चीज़ों से मिलके हमारा सेल बना होता है, जिसमें क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स, ये सभी चीज़ें जो है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मैं एक बात बता दूं, मेम्ब्रेन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। ध्यान दो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो सेल के अंदर जो मैंने बताया था कि लिक्विड है, क्या है? लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको आप नाम देते थे प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को कवर करने के लिए क्या करते हैं, इसके चारों ओर दीवार लगाते हैं। वो दीवार का नाम है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ ऐसा है कि आप हो, ठीक है, अगर आप अपने घर के इमेजिन करके देखो, अगर आप जहाँ पे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ की दीवारें अगर ना हो तो क्या होगा? आपका सामान एवी बिखरा हुआ रहेगा, एवी इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, आप रोड, आप कभी भी ऐसे लोगों को देखते हो रोड साइड जो क्या करते हैं, इस तरह की तंबू जो है वो बना के, तंबू जो है गाड़ के वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनका सामान इसके अंदर रहता है। सोचो ये तंबू ना हो तो क्या होगा, उनका सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा। हम इंसान जो है हमारे घर का, हम जो है अपने घर के चारों ओर दीवार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया? इसलिए लगाते हैं कि हमारा घर और हमारे पड़ोसी का घर क्या रहे, सेपरेट रहे। नहीं तो पता चला इनका इनका कपड़ा इनके घर जा रहा है, इनका बर्तन इनके घर जा रहा है, मतलब एकदम कला कलेश हुए जा रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सेपरेट रखने के लिए, हम लोग सेपरेट रखने के लिए क्या करते हैं, दीवार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे सेल जो है उनके भी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो क्या रहे, सेपरेट रहे। इसके लिए क्या रहता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो जो है सेल की बाकी के ऑर्गेनेलीज हैं और जो चीज़ें हैं इनको बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट रखता है। ठीक है, और ध्यान देना, जिस तरह से हमारे घर की दीवारों में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, क्यों होती हैं, कि कोई भी चीज़ आर पार जा सके, यानी हमारे घर के बाहर या घर बाहर से अंदर आ सके। सपोज़ ये देखो, ये घर है, घर का दीवार, ये दरवाज़ा है और ये खिड़की है। ठीक है, अगर छोटी मोटी चीज़ को घर के बाहर अगर आप फेंकनी हो तो आप खिड़की के बाहर फेंक सकते हो, लेकिन अगर खुद को भी आना हो तो आप क्या खिड़की से बाहर आओगे? नहीं ना, दरवाजे से आओगे। या जाना हो तो कैसे जाओगे? दरवाजे से जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सेल जो है ये क्या करते हैं, हमारे सेल अगर कोई भी पार्टिकल्स को सेल से बाहर फेंकना होता है, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको फेंकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, एक बड़ा चैनल गेट होगा, बड़ा सा छेद होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर उसी तरह से बाहर से कोई बड़ी सी सबस्टांस को अंदर लेनी हो तो भी इसी से लेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो छेद हैं ना उसे छोटे छोटे सबस्टांस को अंदर बाहर करेंगे। अब ध्यान देंगे कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे आप बताओ, आपके घर में कोई भी इंसान आ जा सकता है क्या? नहीं ना, जिस इंसान को आप अलाउड करोगे वही आएगा ना, मींस कि जिसको आप पहचानते हो, जो लगता है कि आपके लिए सही है उसी इंसान को आने दोगे, है ना। तो उसी तरह से हमारा सेल भी जो है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि जो हमारे सेल के लिए यूजफुल है उसी सबस्टांस को अंदर आने देता है, और जो जो ध्यान देना, जो सबस्टांस हमारे सेल के लिए अच्छा नहीं होता है उसको आने नहीं देता, बल्कि उसको बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, हम और आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते ही हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब कोई आपसे यह पूछे कि ऑक्सीजन क्यों लेते हो, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था जिंदा रहने के लिए, हम बोले हाँ वो बात तो है, लेकिन एक्चुअल में नीड क्या है भाई, क्यों? आखिर बेस एक सिंपल सा आंसर दे दो। तो सिंपल सा आंसर मैं ये दे रही हूँ कि लैक। लैक का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। ध्यान दीजिए, आपको जब किसी चीज़ की कमी होती है ना तभी आप उस चीज़ को लेते हो। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है आप नहीं लोगे। सुनो एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए आप हो, ठीक है, आपका ना पेट एकदम फुल है भाई साहब, आपने एकदम भरपेट एकदम खाना खा के रखा है, आपके सामने कितना भी अच्छा अच्छा खाना दे दिया जाए क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खाने की कमी नहीं है, आपका पेट पूरी तरह से फुल है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो तो आप आराम से इस खाने पर टूट पड़ोगे। यानी कि जिस चीज़ की कमी रहेगी
आप वही चीज लोगे। प्यास लगती है क्यों, तो आप पानी पीते हो। क्यों पानी पीते हो, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी हुई है, तब आप पानी बाहर से ले रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी चीज हम लेते हैं, कोई भी सबस्टांस लेते हैं, तो वो तभी लेते हैं जब हमारे शरीर में उसकी कमी होती है। और कोई भी सामान को जब हम बाहर निकालते हैं, जैसे आप वॉमिटिंग कर देते हो, तो वॉमिटिंग जब करते हो तो वॉमिटिंग के दौरान क्या होता है, कई बार एक्सेस खाना हो जाता है, इस वजह से वो निकल जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उस दौरान हम इसको क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे देखो, हमने एयर को इनहेल किया, सांस अंदर ली, इनहेल किया ऑक्सीजन गया, सांस छोड़ा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो ये कैसे निकलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे सेल जो होते हैं, हमारे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे जो छेद होंगे ना, एकदम छोटे छोटे वाले, उससे ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर करते हैं, ठीक है ना। बड़े वाले जो छेद होगी उससे नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले छेद से बड़े वाले जो सबस्टांस होते हैं वो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये इस मेम्ब्रेन को पार करके जब जाएंगे ना, इसी को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अब ध्यान देंगे कि डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है, हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऑक्सीजन या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से होते हुए हमारे सेल के अंदर जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए हमारे सेल से बाहर आते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पे हम बात ये कहेंगे कि कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कभी फ्लो होगा तो कैसे होगा, किसी भी सबस्टांस का जनरली जो फ्लो होता है, सबस्टांस का फ्लो, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। कैसे होता है ये समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये आप हैं, आपको क्या लगी है, आपको प्यास लगी है, बाहर में क्या है, पानी है, बाहर में क्या है, पानी है। पानी की कमी किसको है, आपको है। तो बाहर में पानी ज्यादा है यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आपके शरीर में पानी की कमी है यानी कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपके शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो गया, भैया जाओगे सुसु करने, पानी निकालोगे, तो क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आई। चलो अब हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर यानी हमारे शरीर में, किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर में अगर वाटर का अगर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो किस वजह से, वो कैसे होता है, तो वो भी सेलेक्टिवली होता है। मतलब अगर आपके शरीर को पानी की ज़रूरत है, तभी आपका शरीर पानी लेगा, इधर नहीं लेगा। तो ध्यान दीजिए, आपके शरीर को अगर पानी की जो आवश्यकता होती है, वाटर की जो डिमांड होती है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कैसे होता है, तो वो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिसॉल्व इन वाटर। ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा, आपने जो चैप्टर अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता चलता है कि कोई तो भी सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन बनते हैं दो चीज़ों से, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट, हमारे शरीर में सॉल्वेंट का काम कौन करता है, बच्चा वाटर करता है। क्या करता है, वाटर करता है। और सॉल्यूट मतलब कोई तो भी सबस्टांस होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा, तो सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी बच्चा, कम होगी, ठीक है। तो कम होगी, तो सॉल्वेंट की अमाउंट अगर कम होगी, तो पानी की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पानी की कमी हो गई ना। तो उसी तरह से हमारा जो मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल जो है, उसका मेम्ब्रेन जो है पानी को अलाउ करता है अंदर आने और बाहर जाने का। बताती हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे समझो, ये देखो, मान लो कि आप में से कोई बच्चे जो होंगे वो चना तो देखे होंगे ना, चना, अरे वही ब्राउन वाला जो चना होता है, इस टाइप वाला जो चना जो होता है ना, तो ये तो आपने देखा होगा, इस टाइप का जो चना होता है, इस चना को हम सोक करते हैं यानी फुलाते हैं, पानी के अंदर फुलाते हैं। पहले तो ये चना एकदम हार्ड होता है ना। तो जब ये चना हार्ड होता है और आप इसको पानी में कुछ देर तक छोड़ देते हो, तो ये क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो क्यों होता है सॉफ्ट, ये सुनो, आपने इसको रखा कहाँ है, पानी में रखा है,
ठीक है, इसके इस चने के अंदर पानी की अमाउंट क्या है, लो है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सबस्टांस का ट्रांसफर होता है। तो बाहर में पानी ज्यादा, सीड के अंदर पानी कम, तो सीड क्या करेगा, बाहर से पानी अंदर की ओर लेगा और ले लेके ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, और फूल जाएगा यानी कि हमारा चना जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई सेल जो है, कोई तो भी सेल है, ध्यान दीजिए, कोई तो भी सेल है, अगर इसको आप क्या करते हो, पानी में रखते हो। जैसे आप अपने आप को देख लो ना, अगर आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप पानी में आप नहाते हो तो आपके जो स्किन होते हैं, फिंगर्स होते हैं, उस पर इस टाइप से रिंकल्स जो है वो पड़ने लगते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पानी के कॉन्टेक्ट में रहने पे आपका शरीर जो है वो क्या हो गया, पानी को कुछ उसने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सी वाटर में यानी समुद्र के पानी में नहाते हैं, नहाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर लोशन वगैरह, कई सारे क्रीम्स वगैरह लगाते हैं। उनके पीछे रीजन ये होता है कि जब वो लगाते हैं अपने स्किन पे तो एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो है, ये समुद्र का पानी जो है वो उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता, यानी कि हमारे स्किन को कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो हम डायरेक्ट हम अगर चले जाएं समुद्र के पानी के कांटेक्ट में तो क्या होगा, तो बच्चा हमें स्किन रैशेस हो जाएंगे, हमारी स्किन जो है काफी रफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सुन लीजिए, ये रहा सेल, ये रहा नमक वाला पानी। नमक वाला पानी में सॉल्ट ज्यादा है, क्या है, सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है। अब ध्यान देना, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा तो बाहर में वाटर की अमाउंट कम। अब आपके मन में होगा, अरे मैम क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा समुद्र तो है। हाँ भैया उतना बड़ा समुद्र है, लेकिन समुद्र में ज्यादा क्या है, पानी की जगह नमक है, नमक नमक। तो हुआ ये कि आपका सेल के अंदर वाटर के अमाउंट ज्यादा है। अब ये पानी क्या करेगा, अब ये जो है समुद्र का पानी क्या करेगा, अब धीरे धीरे जो है, यही कहो कि आपका सेल ही क्या करेगा, धीरे धीरे आपके अंदर का वाटर जो है वो लॉस करना शुरू कर देगा, और इस बीच में आपका स्किन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ड्राई हो जाएगा। ये बात समझ में आई, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज, या यूं कहो एक सिचुएशन दी गई है, जैसे कहा गया कि मीडियम सराउंडिंग का जो सेल है वहाँ पे ध्यान देंगे, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और ध्यान देंगे, देखिए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी सेल के बाहर जो है, सेल के बाहर वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में सेल क्या करेगा, वाटर लेना शुरू कर देगा, कैसे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, यानी वो पानी को खींचना शुरू कर देगा अपने अंदर। तो ध्यान देना, बाहर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये रहा सेल, ये रहा पानी का सॉल्यूशन, और जब जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, हाई है, क्या है, हाई है, हाई है। तो अब देखो यहाँ से पानी जो है किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो क्यों जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब ध्यान से फिर बात कही गई कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अब ध्यान देना कि ये जो सेल है, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या था, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन हाई था, सेल में क्या था, कमी थी पानी की, इसलिए सेल ने क्या किया, पानी को लिया। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपका शरीर वही काम करेगा, जो कमी होगी तो ही लेगा, अगर कमी नहीं होगी तो नहीं लेगा। ध्यान से सुनिएगा, अब आपके शरीर में क्या है, पानी की अमाउंट क्या है, जितनी है उतनी ही बाहर है, यानी बाहर और अंदर पानी का अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं होगा, नो ट्रांसफर ऑफ वाटर, किसी तरह का ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब तीसरा केस आता है, तीसरा केस कहता है कि यहाँ पे सेल, यहाँ पे देखिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी के क्या हो रहा है कि ये एक सेल है और सेल के बाहर जो है वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। अब ध्यान दीजिए, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है मतलब कि सेल के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। मैंने आपको जस्ट बताया है कि अगर आपके पास ज्यादा है तो आप क्या करते हो, आप इसको निकाल देते हो, यानी सेल क्या करेगा, वाटर को लॉस कर देगा, वाटर को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और किस वजह से कर रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है,
हाइपरटोनिक, यानी जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से ध्यान दीजिए कि हमारे सेल जो हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं। सिर्फ हम, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ हम ही नहीं, यानी कि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं बल्कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी वाटर को लेते हैं। और ध्यान दीजिए, कई सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर तो ऐसे होते हैं जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। अब जब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो इतना पानी ले लेंगे, इतना पानी ले लेंगे कि एक टाइम पे आने पे ये क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, यानी फट जाएंगे, फट के मर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देंगे, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। आप में से कई सारे बच्चे के पास साइकिल तो होगी, इवन साइकिल नहीं भाई, कार होगी या फिर स्कूटी होगा, कुछ तो होगा, तो या फिर आपने देखा तो होगा। तो क्या होता है कि ये जो टायर होती है ना, इस टायर के अंदर ना पतली सी ट्यूब होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हवा जो भरी जाती है ना, वह इसी ट्यूब के अंदर भरी जाती है, ना कि टायर के अंदर। ध्यान दीजिए, किसके अंदर हवा भरी जा रही है, ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। तो ये ट्यूब जो होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इस ट्यूब जो है, ट्यूब जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। आप तो सिर्फ ट्यूब को साइकिल में जोड़ करके पहिए के रूप में आप नहीं चला सकते, ठीक है ना, ब्रस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इसके ऊपर हार्ड कवरिंग चढ़ाते हो, किसकी, टायर की, किसकी, टायर की। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह से हम जो ह्यूमन, हम जो लिविंग बॉडीज होते हैं, तो हमारा जो स्किन होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। देखते हो, अगर आप अपने स्किन को अगर खींचो, किसी के गाल पकड़ के खींचो, आराम से खींच जाते हैं। लेकिन आप ना पेड़ के जाके स्किन खींचो, क्या वो खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। हार्ड बोले तो रिजिड, क्या होती है, रिजिड। आप हार्ड बोलो या फिर रिजिड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल वॉल। क्या नाम देते हैं बच्चा, सेल वॉल, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमारा जो बॉडी है हमारे बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं होता है, हमारे बॉडी के ऊपर किसी तरह का सेल वॉल नहीं होता है। जब सेल वॉल है ही नहीं तो हमारी स्किन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक उसी तरह से हमारे नेचर में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी बॉडी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और इसी के वजह से वो कई सारे फूड्स को क्या करते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं, या जो भी वेस्टेज होती है उसको वो बाहर निकाल पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान देंगे, एक अमीबा जिसका कि आपका स्ट्रक्चर जो है सबसे सिंपल होता है बायोलॉजी में, अगर सबसे अच्छा, देखो सिंपल सी बात है, बायोलॉजी में अगर किसी का भी स्ट्रक्चर को सिंपल है ना तो वो है अमीबा। जैसे ही बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, जेली लाइक बॉडी होता है, ठीक है, जेली लाइक होता है, ठीक है। इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये कोई फूड पार्टिकल दिखा, ये उसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा और यहाँ पे जो है फूड को अंदर ले लेगा और फिर जो है इसको ब्रेक डाउन करके फिर इसको बाहर निकाल देगा। तो ये जो अंदर जो ले रहा है ना फूड को, इसको नाम दिया है एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर निकालेगा फूड जो वेस्टेज को, इसको नाम देंगे एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर लेने की, कोई भी फूड को या कोई सब्सटेंस को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या होती है, एंडोसाइटोसिस, और बाहर निकालने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है सेल वॉल, अभी जस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन प्लांट की जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये कवर होती है सेल वॉल से, ठीक है। और ध्यान देंगे, हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली ऊपर में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता। प्लांट के साथ क्या होता है, पहले ऊपर में सेल वॉल होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा, और सेल वॉल के अंदर में क्या रहेगी बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। बात समझ में आ रही है? यानी इनमें जो भी फंक्शन होगा वो सेल वॉल के अंदर में होगा। अब इनकी बॉडी जो है, सेल की बॉडी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो होता है ये, आप ध्यान देंगे, जैसे हमारे कैटल्स जो होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनको आप क्या करते हो, उनको आप अनाज वगैरह खिलाते हो ना, या फिर उनको चारा वगैरह खिलाते हो, तो चारा जो खिलाते हो या फिर छिलके वगैरह जो खिलाते हो ये अनाज के, तो वो सब हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि वो सेल्यूलोज के बने होते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। तो जो लिविंग सेल, ध्यान देंगे, लिविंग प्लांट सेल जो है वाटर को अगर लूज करेंगे या फिर अगर वाटर को लेंगे तो कैसे, ध्यान देंगे, जो भी इनके अंदर वाटर जाएगा या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी, सेल वॉल के थ्रू नहीं होती है।
ध्यान देंगे। बार बार मैं बोल रही हूँ कि सेल वॉल के थ्रू कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, किसी भी तरह के सब्सटेंस को बाहर अंदर ले जाना नहीं होता है, ठीक है ना। अब मैंने जस्ट अभी थोड़ी पहले एग्जांपल दिया कि आप हवा किस में भराते हो, टायर में भरवाते हो, टायर में नहीं भरवाते हो, ये देखो टायर है, टायर में भरवाते हो, नहीं बिल्कुल नहीं। ये ध्यान देंगे किस में भरवाते हैं हम लोग, ट्यूब में भरवाते हैं, टायर के अंदर जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब के अंदर भरवाते हैं। हवा अगर निकलती है तो किससे निकलती है, ट्यूब से निकलती है, ठीक है ना। ये टायर क्या है, टायर इज जस्ट अ कवरिंग बच्चा, जस्ट अ कवरिंग, ठीक है ना। तो वही बात रही। अब आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपसे बोला गया कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या करते हैं, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया विदाउट विदस्टैंड्स वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल। अब ध्यान दो, ये जो है सेल वॉल क्या करेंगे, सेल वॉल जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है किसके, प्लांट की। अब ध्यान देना, हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेल को अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रख देंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे सेल का वाटर जो है, सेल वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है, लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमने प्लांट सेल बनाया, ये रही इसका क्या है, ये देखो, ये देखो, ये जो है ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाला जो है वो सेल वॉल है। तो ध्यान देना, सेल वॉल जो है वो कैसे करने देगा भाई, ये तो रिजिड स्ट्रक्चर है ना, ये तो सॉल्यूशन को आर पार ही नहीं जाने देगा, यानी कि प्लांट सेल जो है वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। प्लांट सेल क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। चलो अब जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है बच्चा, तो न्यूक्लियस जो है वो आपके, जैसे हमने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि अनियन जो होती है, अनियन से आप पील जो है आप निकालोगे तो वाइट कलर की एक शीट जैसी निकलती है। इसको आप क्या करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डाल लो, और डालने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करो, या उसके जगह आप ना सेफ्रानीन सॉल्यूशन होती है जो कि ब्राउन कलर की सॉल्यूशन होती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हो। ये एक स्टेन कलर, स्टेन मतलब रंगाई करने के लिए, किसके लिए, रंगाई करने के लिए। अब बोलो कि इसके रंगाई करेंगे, देखो बेटा क्या होता है कि ये जो है ना, ये टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, ये टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब आप इस पे क्या करते हो, कलर लगाते हो, जैसे कि आप सेफ्रानिन लगा लो, आयोडीन लगा लो, या फिर मिथाइलिन ब्लू लगा लो, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ना, ये ऐसा रहेगा और इस पे ना ब्लू ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देंगे, और वो ब्लू ब्लू पैचेस कौन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, कौन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ, या यूं कहो कि बहुत सारे वेरियस सेल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है, वेरियस सेल दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे भी शरीर के अंदर जो सेल हैं उसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि ये जो न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, डबल लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है। मतलब कि ये देखो, ये न्यूक्लियस रहा, इसके ऊपर ना डबल लेयर कवरिंग होती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह से हमने आपको बताया था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकता है, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस से भी कोई सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकता है और आ सकता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, जो कि एक रॉड शेप स्ट्रक्चर रहता है। क्रोमोसोम में क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, कैसी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो इनहेरिटेंस की रहेगी। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, गुण को कहते हैं। ध्यान से समझेंगे कि आप जो हो, आप बिल्कुल, आपको अगर कोई लोग बोलते हैं, जैसे आप नानी घर जाते हो तो आपको कई लोग बोलते होंगे, अरे ये तो अपनी मम्मा की तरह दिखता है, दादी घर में, अरे ये तो अपने पापा की तरह दिखता है। मतलब आप लोगों में कोई ना कोई तो बोलता ही होगा कि ये बच्चा अपनी मम्मा की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है। तो कैसे दिखता है भाई साहब, क्योंकि मम्मा पापा से जो क्रोमोसोम जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इन्फॉर्मेशन आप में आया है, तभी आप उनके जैसे दिखते हो। बात समझ में आ रही है, उनका डीएनए आपके अंदर है, तभी आप उनकी तरह दिखते हो, या आप उनकी बिहेवियर जो है आप में शो होती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे यह कहा गया कि ये क्रोमोसोम जो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, एक क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन कैसी रहेगी, ध्यान देना, आपने क्लास 8 में पढ़ा था ओवम के बारे में और स्पर्म के बारे में, ठीक है। ओवम किस में बेटा, ओवम फीमेल में, और स्पर्म किस में, मेल में। जब ये क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगॉट बनता है,
और यही जायगोट क्या होता है, फुल्ली डेवलप होकर एक बेबी बनता है। तो ध्यान देना कि इनमें ना ये एक सेल है, ये क्या है, ये सेल है, अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था ना, सेल था ना, तो ये सेल जो है इसी के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन है कि अगर 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 फीमेल बेबी बनानी है तो ऐसे बनेगी, मेल बेबी बनानी है तो ऐसे बनेगी, ठीक है। और उसी वजह से कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है पप्पा के भी आते हैं बेबी में और कुछ कुछ मम्मा के भी कैरेक्टर्स, यानी दोनों के कैरेक्टर्स जो है वो आते हैं। यानी ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, आपका सेल पहुंचाता है, ठीक है ना। यानी कि आपके जो शरीर की बनावट जो है वो कैसे हुई है, तो डीएनए इस क्रोमोसोम के बेसिस पे हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। जो क्रोमोसोम बना होता है किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए भी इंफॉर्मेशन होती है। और ध्यान देंगे हमारे आँखों का रंग, हमारे हेयर का कलर, हमारी हाइट, हमारी जो बोलने की जो टोन है, ये सभी के लिए इस क्रोमोसोम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग जीन कहते हैं। और ये क्रोमोसोम ना बिल्कुल क्रोमेटीन के शेप में होते हैं, यानी एक जाले के रूप में होते हैं, ऐसे 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 जैसे मच्छरदानी होता है ना बेटा, मस्क्यूटो नेट, बिल्कुल इस तरह से जाला होता है। और यही जो है इसी में से इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ जाती है, इसमें जाती है और इसके थ्रू हम बेबीज में आती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शंस में, क्योंकि दो सेल्स जो है वो मिल करके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म्स का निर्माण करते हैं। और यही जब आपस में क्या होते हैं, जब ये सेल धीरे, ध्यान देना कोई भी सेल छोटा है, ये जो धीरे धीरे मेच्योर होगा तब इसके न्यूक्लियस जो मेच्योर होंगे और इनमें जो है केमिकल एक्टिविटी करने की, यानी अपने काम करने की क्षमता इसमें आती है। और ध्यान देंगे कि न्यूक्लियस जो होगा उसमें जो क्या होंगे, लिक्विड जैसा सब्सटेंस होगा, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम देते हैं बच्चा, न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान देंगे कि जो हमारे, जो याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सिंगल सेल होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जो एक सेल के बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इनमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो यूकैरियोटिक्स, आप देखो सिंपल सी बात है, जिनमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्या रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनको प्रोकैरियोट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनको यूकैरियोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। इसमें क्या है, ये जो है ये आपके लोअर सेल हैं, क्या हैं, लोअर सेल हैं। और ये कौन से हैं, एडवांस सेल या फिर हायर सेल आप कह सकते हैं, हायर या फिर एडवांस आप कह सकते हैं, एडवांस सेल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है।